मदीने के आका को दिल दे चुका हूँ, नवीदे मसीहा को दिल दे चुका हूँ। मुझे ZU 98.2 पयाम-ए-जस्तुजू, आपकी समातों को छूती हुई हमारी आवाज, आपके दिल की आवाज, सिर्फ ZU FM 98.2। जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस, लिटरेचर और कल्चर लाया आपके लिए BS सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन तालिबे इल्मों के लिए जो एक ऐसी डिग्री हासिल करना चाहते हैं जिससे वो दुनिया को बदलने में अपना किरदार अदा कर सकें। 4 सालों पर मुहीत BS सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम मुख्तलिफ शोबों पर मुश्तमिल है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, मीडिया और आर्ट्स के मजामीन शामिल हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स के पास मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से सीखने के बेशुमार मौके फराहम किए जाएंगे। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के जरिए इन्हें मुआशरे की अमली मालूमात और मुहर्रिकात को जानने और मुआशरे में तब्दीली लाने के लिए इसका इस्तेमाल भी सिखाया जाता है। हमारे सोशल डेवलपमेंट के स्टूडेंट्स मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में अपने लिए बेहतरीन मुस्तकबिल बना सकते हैं। CSS से लेकर मुख्तलिफ आलमी इदारों और NGOs में काम करने तक जैसे कई पेशे BS सोशल चेंज के तलबा के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। हमसे राब्ते के लिए कॉल करें 021-353-05790। व्हाट्सएप इंक्वायरी के लिए हमें मैसेज करें 03498213338। ZU 98.2 पयाम-ए-जस्तुजू, आपके दिल की आवाज, सिर्फ ZU FM 98.2। सुबह की ताजा खबर, मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM ओनली ऑन ZU FM 98.2 पयाम-ए-जस्तजू। ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। This is morning vibes with me। आपका हमारे साथ होकर आपसे लेकर पूरे 11 बजे तक करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल। लेकिन उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, चाहे स्कूल जाए, कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए या फिर चाहे ऑफिस, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। सो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सिस्टम है। आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी है, तो बताना था कौन कौन कहाँ से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं या तो हैं आप घुन्ना लिसनर। So, बहुत गुनावन बता दीजिए, सुनते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके रोजाना। अरे हम कुछ नहीं कहेंगे, सच में हम कहेंगे सिर्फ और सिर्फ वेलकम। सो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा तरीका है पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे शो में। क्या करेंगे आप, सर्च करेंगे आप ZU FM 98.1 फेसबुक एंड सैयदा फरहाना अली ऑन फेसबुक एज वेल। सो दोनों पेजेस को जाकर जल्दी से लाइक एंड फॉलो कीजिएगा। मजीद आगे जाएंगे नजर इंस्टाग्राम, सर्च कीजिएगा @RJ Farhana Official। तो वहाँ पर मेरा अकाउंट आपको नजर आएगा, उस अकाउंट को जाकर जल्दी से फॉलो कर लेना है ताकि आपकी जिंदगी में बाहर निखार सवार सब कुछ आ जाए। मजीद आगे जाएंगे नजर आएगा YouTube, सर्च करेंगे सैयदा फरहाना अली कराची की कली। तो अगर तो आप शहर से बाहर हैं, सुबह से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, बहुत ही इजीली आप हमारा शो सुन सकते हैं फेसबुक और माय थिंकर रेडियो ऐप। और अगर आप चले जाएंगे जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, तो वहाँ पर आपको हमारे रेडियो का लिंक मिल जाएगा। तो परेशान नहीं होना, वो क्या कहते हैं कि जब हम हैं तो फिर क्या गम है। तो चाहे आप शहर से बाहर हो, सुबह से बाहर हो, मुल्क से बाहर हो, क्या फर्क पड़ता है, बस आपने ना आपस से बाहर नहीं होता। हमारे शो में आने के लिए आप भी हमारा पड़ता है, आप भी आइए हमारे शो में, आइए वेलकम करेंगे आपको। ठीक हो गया जी। तो मंडे आया, हम आए, आप आया नहीं। तो भाई कैसा गुजारा वीकेंड? ओप्स हाँ जी, मैंने फ्राइडे ऑफ किया। गला जो है वो स्टिल बिल्कुल ठीक तो नहीं हुआ है, बट ऐसा नहीं है जैसा फ्राइडे को था। हाँ जी, बहुत सारी बातें करेंगे, खबरें शबरें बताएंगे क्या चल रहा है दुनिया में, और इसके अलावा आपके स्टार्स की बात करेंगे, आपकी और हमारी बात करेंगे हमेशा की तरह। कमेंट्स को शामिल करेंगे और तो चलें जी, हम सुनवाएंगे आपको एक ट्रैक, और ट्रैक के बाद वापस आएंगे, करेंगे बहुत सारी बातें। और विच ट्रैक शुड आई प्ले टुडे एक्चुअली इन द स्टार्ट। बड़ा मुश्किल काम है भाई, गाने जो है वो चूज करना, यू नो। चलिए जी, आज ना हम ये वाला गाना प्ले करते हैं एंड इट इज, आप सुन लीजिएगा, आप क्या बताएं आपको क्या बताया होगा, सुन ले आप हैं भाई। चले जी, यहाँ से प्ले करते हैं और वापस आएंगे, इसके बाद करेंगे आपसे मजीद बातें। आपने जब तक कहीं नहीं जाना, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी जाएंगे तो आप पछताएंगे, राइट। देखिए हम फ्राइडे को नहीं आए ना। एंड अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आमना, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है यार, तेरे को मेरी तस्वीर। अरे वाह भाई, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बेहतरीन। तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह आपको सेहत दे। तो मैंने कहा कुछ, मैंने सुना भी नहीं था, मैं बिजी थी ना। अच्छा, मैंने कहा आज मैंने शो भी नहीं सुना, लेकिन मुझे फिर किसी ने बताया आपने तो आ जाएंगे। हाँ जी, जाके मैंने फेसबुक पर देखा आपकी तबीयत सही नहीं थी ना। हाँ जी, तो आपने बताया भी था ना कि मैं नहीं आऊंगी कल, तबीयत अगर सही नहीं आऊंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सो तमाम सुनते अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और राना इमरान भाई को बर्थडे तो यू, अल्लाह पाक उनके लिए आसानी से बेहतर उनके नसीब अच्छे करे और कभी किसी का मोहताज ना करे। और आप बस ये बात छोटी सी सुना मैं, सही है। और हाँ तो भाई, दुनियादारी क्यों जरूरी है, डायलॉग आज तो मार के जाना। बहुत दिनों को तुमने डायलॉग ही नहीं मारे। ऐसे डायलॉग मारना, अब ऐसे भी डायलॉग नहीं मारना भाई। नहीं ऐसे, पता है कि अंकल ने कहा था ना कि वो मुश्किल है ना। तो अंकल जी बात सुने, एक तो वो था फनी पॉलिटिक्स है ना, हाँ। तो मैंने ये कहा था, बस वो 4 लोग मेरे हाथ लग गए, कसम से मैंने गोली मार देनी, जिनके बारे में अम्मी कहती है ना कि 4 लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। आपने कहा वो दर्द वाली गोली ना, तो दर्द वाली गोली नहीं, मैंने अच्छी गोली की बात की थी ना। अगर लड़की इतना ऑब्वियस कौन करता है, लड़की को बचाने लड़की खुद अपने बाबे को लाड़ी मार रही है। सच्ची में गोली के बात की। अच्छा ना, सही है, ठीक है, हो गया ना, पता चल गया। यही है ना, नहीं आप ना पटरी से हटा देती है ना अंकल। अच्छा, जिस दिन समय ना करो तो ये बस, ये तो मैं शो नहीं सुनती, शो तो मैं सुनती हूँ, लाजमी सुनती। अच्छा, और पता है महरीन ने ना काफी टाइम पहले मुझे कहा था कि आप ही को मेरे बता देना, मैं शो में नहीं आती। अच्छा, उनके घर में कुछ मसला चल रहा था ना, शादी वाला मसला नहीं है, अच्छा, मरम्मत वगैरह हो रही थी ना घर की, तो मैं बताने भूल गई ना। अच्छा, तो मुझे याद आ गया। वाह वाह, ये कैसी दोस्त है। हाँ, मुन्नी वाला सीन हो गया भाई, जिस दिन औलाद मुन्नी थी, अब सलाम कहा तो सलाम कर दिल से आके भाई मैं बुरी ना बन जाऊँ, हैं। ओके, अच्छा, तो भी आपको सलाम देती हूँ। वालेकुम सलाम। कोर्ट की हो गई, अच्छा, चलो जी, अल्लाह ताला माफ़िरत फरमाए, हमारी तरफ से उनको जो है वो दुआएं पहुँचा दीजिएगा। बिल्कुल। आप, अच्छा, मैंने चेक किया, मैंने कहा आज शायद लेट हो गए, आप ही नहीं आएंगे, मैंने कहा आप ही नहीं आएंगे आज। मैं तो आ गई थी टाइम पे भाई, क्या हो गया भाई, लेट कहाँ से हैं, बिला वजह में लेट। मैं तो कौन नहीं है, एमए में लेट मना रही हूँ, थोड़ी सी सारी लड़की उसको पता ही नहीं आप आई है कि नहीं। सही। और तो आपकी मोहब्बत में ना आधी हो गई, आप मेरे जाके खुशी हो जाऊंगी। अच्छा, ओके, और मैडम मेरी दर्दन, मेरा सुकून आप, मेरी पहली और आखिरी वफा हो आप। अच्छा, आप ना बोले के डायलॉग मारो। नहीं, और मारो डायलॉग, और मारो। और जब से आप हो मेरे दिल में मगन, अच्छा, तब से मेरा दिल बना है आईना है। दिस इज नाइस। हाँ, अच्छा, हाँ, अब जो बोल लूं एक और है। हाँ, बोलो बोलो। बर्दाश्त चलो चलो, जहाँ इतना और से बर्दाश्त कर लेंगे। बताओ, मेरी जान मेरी रूह, ओनली फॉर यू। अच्छा, चलो सही है, हम कहती हैं कम मारा कहीं नहीं ना। चलो सही है। मैंने कहा नहीं, ऐसा भी बात नहीं। चलो सही है, आप जबरदस्त हो गया, अपना ख्याल रखना। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। मुझे भी अच्छा लगता है आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगता है। काफी टाइम बाद मेरे साथ बात हो रही है आपसे। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। कोरी ही लगती है आप ही, क्या करूँ। हाँ, चलें, कोई बात नहीं, आज तो आपकी कॉल लग गई ना। और पता नहीं इतनी सर्दी कैसे आ गई कराची में, लोग कहते थे कराची में सर्दी नहीं है, और मेरे इतनी सर्दी हो गई ना, अभी बस बीमार पड़ गई। नहीं नहीं, बस अब आ गई सर्दी, कोई बात नहीं, अब क्या करें, ऐसी सर्दी भी एंजॉय करनी चाहिए। सुकड़ के चलते थे ना, आज वो सुकड़ के चलना, इतनी सर्दी आ गई। चलो खैर है, चलो अपना ख्याल रखना, अल्लाह ताला को बहुत खुश रखे। आमीन। हमें भी आपको सलाम कह दीजिए। चलें, वालेकुम अस्सलाम। अम्मी को मेरी तरफ से सलाम कहिएगा, और उनकी तबीयत पूछिएगा मेरी तरफ से, ठीक है। बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम। उनको ना मेरी तरफ से सॉन्ग डेडिकेट कर दे राना इमरान भाई को, तेरी बदनामी। ये कौन सा गाना, ये लड़की ऐसे ऐसे गाने बताती ना। अच्छा, ये वही वाला वो। चलो सही है। चलो, याद रखिएगा जरूर, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके जी, और हाँ जी, हमने बैकग्राउंड पे गाना प्ले करने के लिए अरे ये गाना बैकग्राउंड में प्ले होकर ख़त्म भी हो गया, ये क्या हुआ है। चलें जी, हम और हाँ जी, फिलहाल हम ये सुनते हैं। ओके, हाँ जी, तो हम आपको बताए थे कि रिसर्च कि दिमाग को कैसे तवाना रख सकते हैं। सो उम्र के साथ साथ दिमागी और नफ्सियाती सलाहियत जो है वो कम हो जाती है हर इंसान की, इट्स वेरी नॉर्मल। लेकिन बात छोटी छोटी आदत को अपनाकर आप दिमाग को तवील अरसे तक तवाना रख सकते हैं। अब सो न्यूरो साइंस के माहिर नफ्सियाती मौलजीन और डॉक्टरों ने अपनी तजुर्बात की रोशनी में बात छोटी छोटी आदत और मशाकिल बताए हैं कि जिन्हें अपनाकर उम्र के साथ साथ दिमाग की इनहतात को कम किया जा सकता है, और अगर इसकी मुस्तकिल आदत अपना ली जाए तो देर तक दिमाग को तंदुरुस्त रखना भी मुमकिन साबित हो सकता है। कहते हैं बरतानिया में अल्जाइमर से तहकीक से वाबस्ता अफराद ने कहा है कि दोस्तों को फ़ोन कीजिए, खां वो आपको फ़ोन करें या नहीं, उससे दिमाग पर मस्बत असरात मुरतब होते हैं। दूसरी जानिब फारिग वक्त में लफ्जी मुआवजे यानी कि वर्ड पजल जो जैसे कि हम खेलते हैं, अगर आपको याद हो, अगर आपने बचपन में खेला है वर्ड पजल खेलते थे, उनको आप हल कीजिए या अगर ज़्यादा वक्त हो तो शतरंज आजमाएं क्योंकि उससे दिमागी सलाहियत बेदार होती है। तो ऐसे खेल जो आपके दिमाग को एक्टिव करने में काम आए या आपका दिमाग जिसमें ज़्यादा इस्तेमाल हो, ऐसे जो है वो आप जहनी आजमाइश वाले गेम ज़रूर खेलें। साथ साथ अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो पैदल चलिए, वरना एक स्टॉप पहले उतर के घर पैदल पहुंचे, यानी कि सिंपल इज दैट कि वॉक ज़रूर करें, बागबानी कीजिए, घर की सफाई सुथराई में दिलचस्पी बढ़ाइए, यानी कि हफ्ता सफाई मनाइए। तो आप लोग को याद है स्कूल में जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाई जाती थी? अगर आप लोगों के स्कूल में ऐसा होता था या नहीं, हफ्ता सफाई मनाया जाता था हर हफ्ते जो है वो, क्योंकि सैटरडे ऑफ होता है, हमारा सैटरडे ऑफ होता था तो सैटरडे को जो है वो हफ्ता सफाई मनाया जाता था और सब लोग अपनी क्लासेस को सजाते थे, साफ करते थे, एक्स्ट्रा डस्टिंग करते थे, तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती थी। तो किताबें पढ़ने में ज़रूर तवज्जो दें, उस पर दिलचस्पी लें। हमारे यहाँ जो है वो अब किताबों का रुझान रहा नहीं है क्योंकि हम हर चीज़ डिजिटल पर आ गई है। तो हम किताब पढ़ते हैं तो फ़ोन पे पढ़ लेते हैं अगर कोई ई बुक आ गई है, राइट। लेकिन जो किताब की बात है ना, ओ माय गॉड, सो जो किताब का एक अलग ही मज़ा है। अब किताब पढ़ें, अगर आप लोगों को आदत है, अगर आपने पढ़ी हैं किताबें, किताब पढ़ने के आदी रहे हैं, तो फोन में मतलब मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आता लिटरली। मतलब किताब अगर आप वैसे बैठ के पढ़ें, क्या ही मजा आता है, जब तक किताब हाथ में लेके नहीं पढ़े लगता ही नहीं आता किताब पढ़ी है। सो ये वाला सीन है। तो कहते हैं कि पूरी नींद लीजिए, नींद की अहमियत को समझिए और दूसरी जानिब मुमकिन हो जितना मुमकिन हो एक्टिव रहे, बैठे रहने से इज्तनाब कीजिए और साथ साथ तंबाकू नोशी मुकम्मल तौर पर तर्क कर दें। सुबह में कॉफ़ी पीने की आदत अपनाएं, दिमाग अगर चाहते हैं आप तवाना रहे तो ये वाली आदतें ज़रूर अपनाएं। तो छोटी छोटी खुशियों को ज़ाया ना करें। मैं हमेशा कहती हूँ, देखें छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना, एंजॉय करना चाहिए। छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट करने का ज़रूरी है मतलब नहीं कि बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करें, आप कहेंगे कि वाली बातें, राइट, इस तरह का सीन है। सो माहिरीन का इसरार है कि छोटी और मजबूत आदत दिमाग के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है और उनमें से ज्यादा तारीखों पर अमल करना ही बहुत ज्यादा सूदमंद साबित होगा आपके लिए, राइट। चलें जी, हम गाना पूरा निकल गए, हम शुरू से दोबारा से सुनेंगे और ऑफ कोर्स आँखियों में तेरा कब हुई तेरी मैं रब जाने मेरा रंग दिया तेरे इश्क ने यो हो गई मैं तू ही तू। रंग दिया तेरे इश्क ने यो हो गई मैं तू ही तू। रंग तूने कैसा है चढ़ाया, सुनियारा 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 तेरे इश्क का छोरा पाया, सुनियारा सुनियारा तेरे इश्क का छोरा पाया, सुनियारा सुनियारा तेरे इश्क का छोरा पाया, सुनियारा सुनियारा तेरे कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं। टाइम हमारे पास नहीं है। कॉल का इट्स नहीं 2 मिनट है। कॉल अब बहुत देर से आ रही है। चलिए जी मैं कॉल को शामिल करती हूँ। लास्ट कॉल है। लेट्स सी कि कौन हमारे लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। लाउड बोली थोड़ा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बात कर रही हूँ। क्या हाल है फैजा, कैसी? हाँ मैंने आवाज तो पहचान ली आपकी, लेकिन आपने हैंड फ्री लगाया ना? लगाया, निकाली जरा हैंड फ्री। शाबाश, जल्दी निकाल लिया, मेरा गला खराब है। अच्छा कैसी हैं आप फैजा? ठीक है, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। जी फैजा क्या कहेंगी? काफी दिनों बाद आपसे बात कर। हाँ जी ऐसे ही है, दिल कर रहा था आपसे बात करने, है ना। चले कॉल भी लग गई आपकी। और माशाल्लाह हमेशा की तरह बहुत अच्छा शो आपका। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपके साथ जज़ाकल्लाह, आमीन जज़ाकल्लाह। और आखिर एंड में मेरे लिए साहिर अली बग्गा का कोई सॉन्ग प्ले कर। साहिर अली बग्गा, चलो ठीक हो गया, डन। सैड ना करें, सैड भी सैड ट्रैक क्यों प्ले करवाते हैं आप लोग? नहीं सैड ही नहीं होना, फिर क्यों सैड 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 है? आज कोशिश कीजिएगा मेरे लिए। अच्छा फिर सैड हो जाएगी। चलो हम ढोला लगाएंगे फिर। जरूर चले। वालेकुम अस्सलाम। आंटी को मेरा सलाम कहिएगा, आंटी के लिए बहुत सारी दुआएं, और आप भी अपना ख्याल रखिएगा। गेट वेल सून, ठीक है? चले खुश रहिए। हाफिज हाफिज। ओके और अच्छा जी चंद भर के फूल ये सारे खुशबू से भर दूं मौसम तुम्हारे। खुश हो रहे हैं सपने हमारे, बैठे रहो तुम धड़कन किनारे। रंग दिया तेरे इश्क ने हो गई मैं तू ही तू। तूने कैसा है चढ़ाया, सुनियारा सुनियारा। ओके अच्छा जी, और साथ साथ कुछ कमेंट्स को शामिल करेंगे, इजाजत चाहेंगे। सुनियारा सुनियारा तेरी शिकदा छोला सुनियारा। और साथ साथ आज के दिन के लोग बहुत झूठ बोलते हैं, मुझे देखो कि मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता हूँ। ओके साथ साथ कहते हैं कि अंकल बशीर ख्याल रखें अपना, कितनी बार बताऊंगी गला बैठ गया मेरा। आजम आजम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा हाल बहुत अच्छा। कहते हैं आई एम फायजा आजम फ्रॉम क्लिफ्टन। अभी ZU FM का एक फर्द चला गया, कौन सा कमेंट स्क्रॉल हो गया। अच्छा कहते हैं कि सजल का कह रहे हैं चले। हाँ जी अल्लाह ताला जहाँ भी जाए खुश रखे अल्लाह ताला, सही है बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी नाज कहते हैं कि आमना की अच्छा जी आपस में बातें। ओके साथ साथ आप कहते हैं कि आपकी बात से ये बात याद आई कि पिछले दिनों एक बुजुर्ग की कॉल आई मुझे और कहा कि नारजी को देखें, कायदे आजम की बर्थडे संडे को थी, इन्होंने शो नहीं किया बट अपनी बर्थडे पर छुट्टी वाले दिन भी आ गई। ये क्या कायदे आजम से बड़ी हैं? ऐसे लोग ही तो नेगेटिविटी फैलाते हैं। सो कोई बात नहीं, बोलने दें, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखें अगर इतनी इतनी सी बातों से मुझे फर्क पड़ेगा या मैं किसी लिस्नर की बातों से मुझे फर्क पड़ेगा जो नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर बैठ ही नहीं सकती सीट पे, राइट? सजदों में आंसू सारे झुके हैं, रंग दिया तेरे इश्क़। और ये वो लोग होते पता है, ये वो लोग होते हैं कि जिनको हम मौका नहीं देते कोई फजूल बात करने के लिए। बस यही बात है, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पर आते हैं वो समझते हैं कि भाई उनके पापा का रेडियो स्टेशन है, वो आकर आरजे को जलील करेंगे, फीमेल आरजेस के बारे में कुछ भी बोलेंगे ऑन एयर आके, तो उनको एंटरटेन किया जाएगा। तो ऐसा तो कहीं नहीं होता। आपकी हिम्मत है किसी और स्टेशन पर जाकर कोई बात कर लें। खामोशी से सुनते जरूर है, मुझे सब पता है, लेकिन वही बात है ना कि बातें बड़ी बड़ी और फिर वो काम वही, क्या कहें, बस बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। तो करते रहे भाई बातें। देखें हर इंसान जो है ना वो अपने जर्ब के हिसाब से बात करता है, सीधी सी बात है, बस खत्म होगी बात। अच्छा जी, और तनवीर अब्बास वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। और साथ साथ आजम आजम बहुत शुक्रिया। मैरीन कहती हैं कि अल्लाह हाफिज, लव याबी जान, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। और साथ ही साथ गाना खत्म हो गया, गाना खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, हम दोबारा प्ले करेंगे। और यस, और इसके अलावा कहते हैं अच्छा जी सर फराज कहते हैं ज्यादा नहीं पढ़ें, बड़ा करें किताबें, कहीं आपका दिमाग और ज्यादा तेज हो गया फिर। मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, अभी तो मुझे टाइम नहीं मिलता। और मेरे पास अभी एक किताब रखी है जो कम से कम 1500 पेजेस की है, जो कि मुझे पढ़ना है, जिसमें से मैंने अभी आधी भी नहीं पढ़ी है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं उसको पूरा पढ़ूं, क्योंकि बुक ऐसी जबरदस्त है, मतलब क्या मतलब, तो जरूर उसको हम पढ़ेंगे, कभी उसमें से कुछ स्टोरीज शेयर भी करेंगे। रब जाने मेरा रंग दिया तेरे इश्क ने, हो गई मैं तू ही तू। ओके, मतलब ये गाना मैं जितनी बार सुन लूं, जितनी बार गाना ये मैं गा लूं, आई जस्ट डोंट गेट बोर्ड। साथ साथ नदीम खोसो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फराज कहते हैं कि अच्छा मैं भी एक किताब लिखूंगा और सबसे पहले आपको दूंगा पढ़ने के लिए, ठीक है? नहीं बस मुझे मत देना प्लीज, आप वो पहले किताब लिखें। आप कहते हैं कि लड़की क्या 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 बोलती हो, मैं तो भाई हूँ, कोई बात नहीं हुई, बट किसी की जॉब के बारे में नाम लेके नहीं बोलते। मैंने आपकी जॉब के बारे में नाम लेके कब बोला? कहते हैं कि मैंने उल्मा से मालूम किया कि प्रॉपर्टी वाली जॉब के बारे में और सीखा सही गलत, इट्स ओके, मैं तो भाई हूँ ना, मेरी खैर। ये क्या बात हुई? मतलब अच्छा अगर अपने हो तो फिर गलत सही कुछ नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, गलत तो गलत है, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ आपको। आपने खुद ही आके बताया, भाई आप लोग खुद आके अपने राज खोलते हैं यहाँ पे आके, मैं थोड़ी ना आप लोगों से राज उगलवाती हूँ। अच्छा आबिदा मेरे कहते हैं कि बता रहे हैं कि 36 घंटे के लिए लाइट ऑफ हुई है, कहाँ है, कहाँ है हमारे लाडले सज्जाद हुसैन अंकल? कहते हैं हाँ याद आया, आपने वो किताब पढ़ी है कि जिसमें आलू और टमाटर की दोस्ती हो जाती है, तुम पढ़ते हो ऐसी किताबें? हम नहीं पढ़ते ऐसी किताबें। ये कौन सी किताब है? मुकेश कुमार कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कहते हैं लड़की हाँ जी पढ़ लिया हमने, पढ़ लिया, बस वही बात है ना, सच बोलते हैं हम तो। खुश हो रहे हैं सबरे हमारे, बैठे रहो तुम धड़कन किनारे, रंग दिया तेरे इश्क ने, हो गई मैं तू ही तू, रंग तूने कैसा है चढ़ाया, कह मैंने कहा कि आप मुझे बोल सकती हैं बॉस। ओके ठीक है फिर सही है। ऐसे लोगों को छोड़ेंगे लोग ना, अपने आप से परेशान होते हैं, तभी तो ना नेगेटिव बातें करते हैं, यही बात है। उनकी जिंदगी में अपनी इतनी प्रॉब्लम्स होती है, वो सोचते हैं चलो किसी और को जाकर परेशान करते हैं। सो वी आर पॉजिटिव, सो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो या ना हो, आपने जरूर पॉजिटिव रहना है, राइट? सो चाहे कुछ हो, महंगाई हो, परेशानी हो, कुछ हो, वो क्या कहते हैं कि हर रात के बाद जगमगाता सूरज निकलता है ना, टेंशन नहीं ले ले, खत्म बात। सो हर दौर जो है गुजरता, कहते हैं वक्त जो है वो कभी थम के रहता नहीं है, रुकता नहीं है, चला जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वक्त हमेशा चला जाता है। सो हमेशा लोगों के लिए अच्छा करने की कोशिश करें, लोगों के लिए रुकावटें बनने की कोशिश ना करें, उनके लिए ऐसा काम करने की कोशिश ना करें जो आपके लिए नुकसानदेह हो। किसी के लिए गड्ढा कभी मत खोदें, ऐसा ना हो कि खुद आपका पाँव फिसले और आप उसमें जाके रहें, राइट? सो हमेशा लोगों के लिए अच्छा करें ताकि आपके साथ अच्छा हो। कहते हैं कि कायनात का उसूल है कि जो चीज आप किसी को देते हैं वही पलटकर आप तक वापस आती है। तो मैं कोई 100 बार बता चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आता, आप लोगों को मजाक लगती ना चीजें, लेकिन वही बात है ना। कि जब तक एक्सपीरियंस नहीं करता ना कोई, उसको अकल नहीं आती। ये बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस कर लेते हैं उसके बाद भी अकल नहीं आती उनको। सो बस हम दुआ देते हैं कि अल्लाह आपको हिदायत दे कि आप किसी के लिए जाल ना बिछाएं, किसी के लिए गढ़ा ना खोदें। कभी कभी जो खंदक आप खोदते हैं, गढ़ा तो फिर छोटा होता है, वो खंदकें बड़ी खतरनाक साबित होती है आपके अपने लिए। क्योंकि जिसका राबता अल्लाह ताला से, उस हस्ती से हो, जिसका भरोसा उस पर हो, जिसका बिलीव उस पर हो कि वो जो है वो उस ज़ात पर भरोसा रखता हो हर काम के मामले में, हर चीज़ के मामले में, तो फिर you're no more। सो भाई खुश रहिए हमेशा। सो आप लोगों को एक सीख दी मैंने, होपफुली कि आप लोग ज़रूर इस पे अमल करेंगे, लोगों के लिए अच्छा करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर किसी के लिए आप काम नहीं आ सकते ना, किसी के काम में रुकावट भी मत बनिए, बस इतनी सी बात है। सो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप कल सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान। जब तक अपना और अपने प्यारे को रखिएगा बहुत 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 ज्यादा ख्याल, और अपने चाहने वालों का भी रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल। और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए दुआ मगफिरत जरूर कीजिएगा, मुझे भी रखिएगा अपनी दुआ में। यार फरहाना अली साइनिंग ऑफ। नूर बसाइन अखियों में तेरा, कब हुई तेरी मैं रब जाने मेरा, रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, हो गई मैं तू ही तू। सो कल आएगा टाइम पर हम भी आ जाएंगे, नहीं करेंगे छुट्टी, आप भी मत कीजिएगा, आएंगे ना 9 बजे, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आएंगे।